बाबू बिटवा कहाँ हो तुम दोनों? खाना ठंडा हो रहा है। आ गया स्वीटी। आ गया ग्रैनी। बिटवा देख, आज मैंने तेरी पसंद के मोदक बनाए हैं। अरे वाह ग्रैनी, आई लव मोदक। अरे वाह जाना, क्या स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं तुमने। थैंक यू। आपके हाथों में तो जादू है जादू। अरे क्या तुम भी। ग्रैनी ग्रैंडपा, आपने सुना नया आईफोन लॉन्च होने वाला है, आईफोन 16। नया आईफोन? हाँ स्वीटी, ये आईफोन वाले हर साल सितंबर में नया आईफोन लॉन्च करते हैं। आईफोन 15 हो या 16, सारे फोन एक जैसे लगते हैं। हर साल एक नया मॉडल लॉन्च कर देते हैं और डिजाइन में कोई मेहनत नहीं करते। ओह नो। बेबी, आईफोन भले ही दिखने में सेम हो लेकिन हर साल कुछ नए फीचर्स डालते हैं ये फोन में। हाँ ग्रैंडपा, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे मुझे तो आईफोन बिल्कुल शो ऑफ लगे है। अरे ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या बोला बुढ़ाऊ? अब मेरा मतलब है जाना, हमें नए जमाने के साथ ढलना चाहिए। कब तक पुरानी चीजों को लेकर बैठी रहोगे तुम? नए जमाने की तो ठीक है लेकिन आईफोन कितना महंगा है तुम्हें कुछ पता भी है? काश मेरे पास भी आईफोन 16 होता। बिटवा जब कमाने लग जाएगा ना तो खुद ले लेना। आईफोन 16 तुम्हें तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। और कैसी हो स्लेंडरना दीदी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है रे छुड़वा? अरे क्या बात है दीदी, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे खुशी की तो बात है छुड़वा, क्योंकि मेरा नया बॉयफ्रेंड मुझे आईफोन 16 गिफ्ट जो करने वाला है। क्या आईफोन 16? हाँ, जब भी कोई नया मॉडल आता है तब वो मुझे तुरंत दिला देता है। क्या बात है दीदी, लकी हाँ। हाँ वो तो मैं हूँ ही। वैसे छुटवा, तू आईफोन 16 नहीं ले रहा? अरे दीदी इतना महंगा फोन लेकर क्या करना, फोन पे सिर्फ बात ही तो करनी होती है। ये मुझे तेरे नहीं बुढ़िया के विचार लग रहे हैं। वो जो भी तुझे बोलती है उसका रटा रटा है तो आगे बोल देता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। छुटवा मैं तो तुझे एक ही सलाह दूंगी, बुढ़िया के पीछे ना धोके पड़ जा आईफोन 16 दिलाने के लिए। हाँ छुटवा, जैसे ही मैं आईफोन 16 लूंगी सबसे पहले तुझे ही फर्स्ट टाइम करूंगी। अरे भूल गई, तेरे पास तो आईफोन है ही नहीं। ओह नो। चलो दीदी मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके टेक केयर, बाय बाय। देखो तो जरा सिलेनिता, दीदी तक आईफोन 16 की मालकिन बनने वाली है। काश मेरे पास भी आईफोन 16 होता। बिटवा फ्रूट अच्छे से देखभाल के लाना, डॉक्टर ने तेरे ग्रैंडपा को फ्रेश जूस पीने के लिए कहा है। ठीक है ग्रैनी। क्या हुआ बिटवा, तूने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं ग्रैनी। भाग कर जा और जल्दी से घर वापस आ। ओके। और कैसे हैं भैया जी? ऑल गुड मगरू भाई। क्या बात है भैया जी, आज थोड़े उदास नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं मगरू भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भैया जी आपने सुना आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है? हाँ मगरू भाई। हमारे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, हम तो उसे आईफोन 16 लूंगा। अरे वाह मगरू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। भैया जी हम आईफोन 16 लेके सबसे पहले आपको ही दिखाऊंगा। यस श्योर मगरू भाई, चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके भैया जी, सी यू। ओके टेक केयर, बाय बाय। मगरू भाई आईफोन खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि स्लेंडरना दीदी को भी आईफोन मिलने वाला है। बस बिटवा के पास ही आईफोन 16 नहीं होगा। अरे बड़ो। और कैसे हो ट्विंस भाई? हम तो मस्त है बेटू, तू कैसा है? अरे यहाँ कहाँ फिर रहा है तू? हाँ बस ऐसे ही सामान लेने निकला था। बेटू तूने सुना है आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है? हाँ पूछ तो ऐसे रहे जैसे दोनों आईफोन 16 लेने वाले हों। हम दोनों भी आईफोन 16 ले रहे हैं। क्या? मैं व्हाइट कलर का फोन लेने वाला हूँ और बॉब पिंक कलर का फोन लेगा। आप दोनों को आईफोन दिलाने के लिए आपकी मम्मी रेडी हो गई? अरे मम्मी कभी पैसे देने के लिए रेडी नहीं होती। तो फिर आप दोनों पैसे कहाँ से लाओगे? पैसे का इंतजाम हो गया है, अपन एक एक किडनी बेच रहे हैं अपनी। Oh, no. क्या
आईफोन 16 के लिए अपुन कुछ भी करेगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। ओके ठीक है, बाय। ओके चल बेड़ू, मिलते हैं। देखो तो जरा दोनों को, आईफोन खरीदने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सब लोग आईफोन ले रहे हैं, सिर्फ बेटुआ के पास आईफोन नहीं होगा। ओह नो, अगर मैं कहीं भी जाऊंगा और मेरे पास आईफोन 16 नहीं होगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैं आईफोन 16 लेकर आऊंगा। ग्रैनी, ग्रैनी। हाँ बोल बिठवा। ग्रैनी, सब लोग आईफोन 16 ले रहे हैं तो मुझे भी आईफोन 16 चाहिए। बिठवा, क्या करेगा तू आईफोन 16 लेके? तुझे पता है ना फोन कितना महंगा है। मुझे बस आईफोन 16 चाहिए तो चाहिए। बिठवा, जितने का आईफोन 16 है ना, उतने पैसों में मैं तुझे 3-4 जगह बाहर घुमा कर ला सकती हूँ। ग्रैनी, बस चुप कर और जा अपने कमरे में। लगता है ग्रैनी मेरी आईफोन 16 लेने की इच्छा कभी पूरी नहीं करेगी। ब्रेकिंग न्यूज, कल स्टोर्स में अवेलेबल होगा आईफोन 16। ओह माय गॉड। बोला ना नहीं। आप आईफोन 16 इन शानदार कलर्स में भी ले सकते हैं। देख लीजिए आपको कौन सा कलर पसंद है। कहा जा रहा है कि आईफोन 16 का प्राइस 79,999 होगा और ये प्राइस 1,30,000 तक भी जा सकता है। अरे बाप रे, कितना महंगा फोन है ये। क्या आप भी उन लकी लोगों में से हो जो कल आईफोन 16 लेने वाले हैं? काश मेरी भी इतनी सैलरी होती कि मैं आईफोन 16 ले पाता। अब कल सबके पास आईफोन 16 होगा। देख बेड़ू, अपुन के नए आईफोन 16 लग रहा है ना एकदम झकास। ओह नो छोटुआ, देख मेरा आईफोन 16 एकदम खूबसूरत है। मेरे तरह आईफोन होने की फीलिंग कुछ और ही है। हम रईसों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस पे दिल आ गया उसी को खरीद लेते हैं। आईफोन कहाँ है बेटुआ? भैया जी देखे हमारा नया चमचमाता आईफोन 16। मेरे पास आईफोन 16 है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। क्या बड़ू, तेरे पास तो आईफोन भी नहीं है। अरे क्या चुनू, तेरे पास आईफोन नहीं है। कितना बुरा लग रहा है, बिटवा के पास तो आईफोन 16 है ही नहीं। बिटवा के पास आईफोन 16 है ही नहीं। अरे इसे क्या हुआ? बिटवा बाबू जल्दी आ जाओ, खाना रेडी है। जाना बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे ये बिटवा अभी तक क्यों नहीं आया? एक काम करो, तुम बिटवा को बुला कर ले आओ। रुको मैं देख कर आती हूँ। बिटवा इतनी देर से बुला रही, सुन क्यों नहीं रहा? चल खाना खा ले, खाना रेडी है। ग्रैनी मैं तब तक खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक मेरे हाथ में आईफोन 16 नहीं होगा। तब तक मेरा खाना पीना बंद। ठीक है, नहीं खाना है तो तेरी मर्जी, जब इसे भूख लगेगी तो इसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। बाबू पूरा दिन बीत गया, बिटवा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जाना तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बिटवा को आईफोन 16 लेकर दे देना चाहिए। क्या तुमने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए? नहीं, बिटवा कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता, उसने बहुत दिनों बाद किसी चीज की डिमांड की है। चलो जाकर बिटवा को बता देते हैं कि हम उसके लिए आईफोन 16 लेने के लिए रेडी हैं। हाँ ठीक है बेबी। बिटवा। हाँ ग्रैनी। हम तुझे आईफोन 16 दिलाने के लिए रेडी हैं। क्या सच्ची आप मुझे आईफोन 16 दिला रहे हो? हाँ हम तुझे आईफोन 16 दिला रहे हैं। थैंक यू ग्रैनी, थैंक यू ग्रैंडपा। तेरी खुशी से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, फिर कल जाकर हम तेरे लिए आईफोन 16 खरीदेंगे। चलो। फाइनली आज मैं आईफोन 16 लेने वाला हूँ। मैं भी सबकी तरह आईफोन 16 का मालिक बनने वाला हूँ। ग्रैनी,
स्वीटी तुम्हें तो पता है आईफोन 16 कितना महंगा है, हम उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? फिक्र मत करो, मेरे पास दो पुरानी सोने की चूड़ियाँ पड़ी हैं, उनको बेच के बिटुआ के लिए नया आईफोन ले लेंगे। लेकिन जाना, चूड़ियाँ तो तुम्हारे पापा ने शादी में गिफ्ट की थी, इसके साथ तुम्हारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। तुम ऐसा मत करो, एक काम करता हूँ, मैं अपनी FD तुड़वा देता हूँ। हाँ, उसे मेरे डैडू की यादें बसी हैं, पर कोई बात नहीं, अपने बिटवा के लिए वो मैं बेच दूंगी। बाबू, तुम अपनी FD तोड़ दोगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तुम रहने दो, मैं अपनी सोने की चूड़ियाँ बेच रही हूँ। ठीक है बेबी, फिर कुछ समय बाद पैसे देकर तुम्हारी चूड़ियाँ हम लोग छुड़वा लेंगे। बिटवा, ओ बिटवा, रेडी हो गया? क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटका रखा है? ग्रैनी, ग्रैंडपा, I'm sorry, मैंने आप दोनों को आईफोन 16 के लिए इतना परेशान किया, मुझे आईफोन 16 नहीं चाहिए। लेकिन क्यों बिटवा, तू तो फोन लेने के लिए कितना एक्साइटेड था। ग्रैनी, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, मैं अपनी खुशी के लिए आप दोनों को दुखी नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ज्वेलरी बेचो या ग्रैंडपा अपनी FD तोड़े। नहीं ग्रैनी, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी खुशी के लिए आप दोनों को दुखी करूं। ग्रैनी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब मैं कमाने लग जाऊंगा तो मैं आईफोन 16 क्या, आईफोन के जितने भी नए मॉडल आएंगे वो सब खरीद लूंगा। बाबू, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारा बेटवा बहुत समझदार है। हाँ जाना, वो तो है, देखो इसे अपने ग्रैनी ग्रैंडपा की कितनी फिक्र है। ग्रैनी, आप ठीक बोलते हो, जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कितने सारे बच्चे आईफोन खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उन्हें किसी भी चीज के लिए फालतू की जिद नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या ये ग्रैनी का घर है? हाँ, ये ग्रैनी का घर है, आप कौन? जी मैं एप्पल कंपनी से आया हूँ। ग्रैनी जी, आपको याद है आपने बिटवा का नाम लकी ड्रॉ में आईफोन 16 के लिए डाला था? हाँ। मुबारक हो, बिटवा ने लकी ड्रॉ में आईफोन 16 जीत लिया है। क्या, आईफोन 16? वाह, क्या बात है, मुबारक हो बिटवा। ओह माय गॉड, लीजिए आपका नया आईफोन 16। iPhone 16, मुबारक हो बिटवा, फाइनली तो iPhone 16 का मालिक बन ही गया। बिटवा देख, तेरी नियत अच्छी थी ना, तो तुझे खुद ब खुद iPhone 16 मिल गया। थैंक यू, लव यू ग्रैनी। लव यू टू बिटवा। हाय गाइस, इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दे और फटाफट से मोहकमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको ग्रैनी और बिटवा की आईफोन 16 की स्टोरी देखकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकमी।